अभी स्टार्ट हुआ। हाय, थ्री व्यूज, नाइन व्यूज, 16 व्यूज, 40 व्यूज एक साथ। डॉक्टर शिव संगीता, वेलकम। राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी को डॉक्टर शिव संगीता घर का नमस्ते। मैं डॉक्टर शिव संगीता पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट पैसिफिक यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट 13 ईयर्स से फूड प्रोडक्शन में पढ़ा रही हूँ और मेरा पैशन जो है कुकिंग ही है। और आज जो मैं आपके सामने एक बहुत ही ट्रेडिशनल राजस्थानी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको ऑलमोस्ट सब लोग भूल चुके हैं और हमारे घरों में उसको पहले बहुत जैसे हमारी दादी है, नानी है, वो बनाया करती थी और आज हम लोग भाग रहे हैं पाश्चात्य खान पान की तरफ और जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनको भूलते जा रहे हैं। तो मेरी यही कोशिश रहती है जब भी मैं लाइव आती हूँ तो कुछ पारंपरिक राजस्थानी रेसिपीज को लेकर आऊँ जिसको हम सब भूलते जा रहे हैं। आज की रेसिपी का नाम है मकई का मलीदा। जी हाँ, मकई का मलीदा। वैसे तो आप लोग सब जानते ही होंगे, जब आप देखेंगे तो ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और आप सोचेंगे अरे यार ये तो बनती है, पर हाँ ये हम भूल गए हैं। हम लोग लड्डू की तरफ भाग रहे हैं, अलग अलग तरह के लड्डू खाते हैं, पर जो हम लोग की दादी नानी घर पे बना के देती थी आजकल हमारे बच्चे उसको पसंद नहीं करते। लेकिन हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम वो सारी रेसिपी बनाए और बच्चों को उसके टेस्ट बर्ड से डेवलप कराए। बच्चों को जब तक हम बना के नहीं खिलाएंगे तब तक हम कैसे उनको बताएंगे कि हमारा खान पान कितना बढ़िया था और कितनी चीजें बनती थी, कितनी वैरायटीज होती थी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं मकई का मलीदा। वैसे राजस्थान में ये जो है रेसिपी ये मेवाड़ और मारवाड़ दोनों में अलग अलग तरीके से खाई जाती है। जैसे यदि मैं मेवाड़ की बात करूँ जहाँ पे मैं रह रही हूँ उदयपुर राजस्थान में, मेवाड़ में हम लोग इसे मकई के साथ बनाते हैं। यदि मैं मारवाड़ की बात करूं तो इसी चीज को जो मकई की जगह बाजरे के आटे को इस्तेमाल करते हैं। और आप चाहें तो इसमें इतने सारे वेरिएशंस दे सकते हैं। और अभी गर्मियों के लिए आप ज्वार की रोटी से बना सकते हैं, पौष्टिक मिश्री आटे से बना सकते हैं, सादे आटे से बना सकते हैं। क्योंकि ये मकई जो है सर्दियों में खाई जाती है तो ये सर्दियों की एक आम और बहुत ही पौष्टिक रेसिपी है। मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये एक बहुत पारंपरिक रेसिपी है और आप इसके वेरिएशन बना सकते हैं जो गर्मी में हमें सूदे हो सकते हैं, जो गर्मी में हमें बहुत फायदा कर सकते हैं। जैसे कि मिक्सी का आटा से आप बना सकते हैं इसको, और आप इसमें ज्वार के आटे को ले सकते हैं, रागी के आटे को, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर आटा जो है उसको ले सकते हैं। तो चलिए हम आपको रूबरू कराते हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स से जो राजस्थानी ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि ये देशी गुड़ है जिसको मैं मिठास के लिए इस्तेमाल करूंगी। ये है मकई का आटा जो कि पीला मकई का आटा है। राजस्थान में और मेवाड़ में सफेद मकई भी खाते हैं और पीली मकई भी खाते हैं। ये है हमारे सूखा जो होता है नारियल का, उसके कुछ फ्लेक्स निकाले क्योंकि ये ट्रेडिशनली डलता है। इलायची का पाउडर और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल ऑप्शनल है। यदि हम देशी स्टाइल में देखें तो इसको नहीं खाया जाता था। और ये है हमारा खास इंग्रेडिएंट जो इसको इस नाम को जस्टिफाई करेगा, मलीदे के नाम को, जिसको हम कहते हैं मलकर। ठीक है, तो ये है देशी घी, अमूल का देशी घी। थैंक यू अमूल फॉर गिविंग मी अ चांस। बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं इतने सारे लोगों से रूबरू हो पा रही हूँ और मेरी अपनी रेसिपी जो राजस्थान की है वो सबके साथ शेयर कर पा रही हूँ। थैंक यू अमूल फॉर ऑलवेज बीइंग सो
वन सेकेंड, दे आर सेइंग द साउंड इज नॉट दैट क्लियर. तो एक सेकेंड. एक बार आप चेक करो, साउंड इज क्लियर. नमस्ते. साउंड एक बार. मेरी वॉइस ऑडिबल है? साउंड आ रहा है? Should I close this app? नहीं, that's okay. आई थिंक आप बोलो अभी अगर. हाँ जी, जो मलिदा है ये पर्शियन बर्ड है. जब हमारे हिंदुस्तान में मुगल शासक आए थे उस समय शायद उसी के इन्फ्लुएंस से ये बर्ड जनरेट हुआ है. मलिदा मीन्स मलकर, बहुत मैशी, बहुत उसको इतना सॉफ्ट बना देते हैं. जैसे कि ऊनी कपड़ों को, ऊन को जब वो लोग पानी में भिगो के मैश कर करके खूब सॉफ्ट बना देते, तो मलिदा मीन्स सॉफ्टनेस, मला हुआ, एकदम हाथों में चिकनाई जैसा होना. तो जो हमारी जो लड्डू रहेंगे, जो हमारा मलिदा रहेगा मक्की का, वो इसी तरीके का रहेगा. बहुत सॉफ्ट, मुंह में जाते ही घुल जाएगा. इवन बुड्ढों के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी रेसिपी है. तो स्टार्ट करते हैं. ये हमारा मकई का आटा है, इसको हम डालेंगे. आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं, डेढ़ कप ले सकते हैं, दो कप ले सकते हैं. डेढ़ कप में आराम से दो रोटी बन जाएगी मकई की. इसे हम अच्छी मोटी दो रोटी बना लेंगे. फिर इसके लिए मुझे थोड़ा सा गर्म पानी लेना पड़ेगा. जैसे कि आप जानते हैं, जब भी हमें मकई का आटा लगाना होता है, गोंदना होता है, तो हमें थोड़ा गुनगुना गर्म पानी लेना चाहिए, ताकि मकई जो है वो सॉफ्ट बने. उसके जो दाने थोड़े से मोटे मोटे रहते हैं, वो अच्छे से मैश हो जाएंगे और मिक्स हो जाएंगे. और इसमें हम इसके आटे को बहुत बहुत ही स्मूथ करेंगे, बहुत अच्छे से इसको मलेंगे. बस कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं डालना है. गर्म पानी, गुनगुना पानी आपको लेना है. रजिया जी बोल रहे हैं, शादियों में भी बनाया जाता है. बिल्कुल बिल्कुल, ये क्योंकि मुगल इन्फ्लुएंस से है, पर्शियन इन्फ्लुएंस है इसके अंदर, इस रेसिपी के अंदर, और कहीं ना कहीं वहीं से ट्रेवल होके आया है, राजस्थान तक पहुंचा है. तो इसको हम कह सकते हैं कि रोटी का चूरमा, यदि हमारी देशी भाषा में कहें तो रोटी का चूरमा है. वैसे अलग अलग जगह इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है. तो आप मुझे बता सकते हैं आपके यहाँ किस नाम से इसको पसंद किया जाता है, या आप लोग बना के खिलाते हैं बच्चों को? ये एक तरीका है. वैसे तो थोड़ा थोड़ा आटा लेते हैं मकई को जब हम नीड करते हैं, पर अभी इस समय मैं, ये देखिए, ये एक प्रोसेस है मकई को सॉफ्ट करने का. इस तरह से हमारे पाम का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा. इसको ऐसे ऐसे करके नहीं करना है, बस जैसे कि हम रोटी को लगाते हैं उस तरह से नहीं करना. इसको हमको इस तरह से बढ़िया से मैश करना है, ताकि एकदम सॉफ्ट हो जाए मकई का आटा और कड़क नहीं लगे जब हम इसे खाएं. सुमन जैन ने कहा हाय. हर्ष, हर्षा विकास जी कह रहे हैं हाय मैडम. नमस्ते जी, नमस्ते, राम राम. और शीतल जी कह रही हैं आपकी नई रेसिपी का वेट कर रहे हैं बस. बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, मेरी एक बुक भी आने वाली है. अपर्णा कॉल धर कह रही हैं हेलो भाभी. नमस्ते, हेलो. ये देखिए इस तरह से ये सॉफ्ट हो गया है. एकदम सुब्रमण्यम सिंह, हेलो.
नमस्ते सर। नमस्ते उमा जी। हाँ उमा जी। क्या आप सब लोग भी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी बनाते हैं और कहीं ना कहीं आप सब भी हमारे लिए इंस्पिरेशन है और हम एक दूसरे को इंस्पायर कर सकते हैं, एक दूसरे से सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं। और यह अमूल का प्लेटफॉर्म हम सबके लिए बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम लोग सब एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं। कोई कहाँ साउथ में है, कोई नॉर्थ में कश्मीर में है जो देख रहा होगा, कोई लखनऊ से देख रहा होगा। तो अमूल ने हम सबको बहुत ही अच्छे से कनेक्ट किया है, अनेकता में एकता। ये देखिए कितना प्लाइबल और बढ़िया हो गया है, ये आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट हाँ मक्खन जैसे एकदम। यही इसका तरीका है, इसको हमको नीड करने का, हमको उस तरह से नहीं करना है इसको बिल्कुल भी। तो मीनवाइल हमारा ठीकरी का तवा है और राजस्थान हरियाणा में इसको बहुत यूज किया जाता है। इस पे जब हम रोटी पकाते हैं उसकी बात ही बहुत अलग है। इसको हम बहुत अच्छे से गर्म करेंगे। सुनीता शर्मा जी आपको रोज दे रही हैं, और रजिया जी कह रही हैं हम मलिदा ही बोलते हैं, मलिदे और वीट फ्लावर से बनाते हैं, और बिल्कुल लड्डू भी वो भी पंच पंच पादी का क्या होता है उन्होंने, जी। सुनीता शर्मा इज सेंडिंग फ्लावर्स एंड मकई की रोटी को बेलने में डिफिकल्टी आती है तो एक तरीका है, आप प्लास्टिक लगा रहे नीचे, फिर इसका जो डो का बॉल है उसको लेके और आप आराम से एक और प्लास्टिक लगा के उसको रोल कर सकते हैं विद द रोलर, ठीक है ना, हमारा जो बेलन है उससे। वैसे तो मकई जो ट्रेडिशनली बनाते हैं उनका हाथ इतना परफेक्ट होता है कि वो मकई की रोटी को बड़े आराम से जो है हाथों पे रोल कर लेते हैं। क्योंकि हमारी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है तो मैंने थोड़ा सा मकई का आटा जो रखा था उसको लिया है और मैं इस तरह से इसको ढेलती जाऊंगी, मतलब उसको बढ़ाती जाऊंगी डो को, ताकि और इसको बहुत पतली नहीं करना है रोटी को, ठीक है, ये बात जरूर हमें ध्यान में रखनी है। और इतना सॉफ्ट होता है कि ये आराम से हाथों से आगे गोल गोलाई में बन जाता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने बिना किसी प्लास्टिक के इसको ले लिया है। थोड़ा सा मुझे तवे को गर्म करने के लिए वेट करना पड़ेगा। तवा जो है ठंडा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठंडा हुआ तो रोटी हमारी चिपकेगी, मजा नहीं आएगा, इसलिए तवा का गर्म होना बहुत जरूरी है। इस तवे को धोने का एक ही तरीका है, बस पानी से धो लें जब यह ठंडा हो जाए और धो के रख दें। निर्मला सिंह शाह सिंह, हाय मैडम, नमस्ते। और रजिया जी कह रहे हैं सवा पंच पाली ये एक पुराना माप है। सुनीता बिल्कुल शर्मा सिंह सुपर, अपर्णा कौलधारे सिंह यम, अभी तो तैयार ही नहीं हुआ है, होने तो दो। सभी को ऑनलाइन मैं भेज दूंगी इसको, तो हाथ से हमें पता चल जाता है कि तवा गर्म हो चुका है क्योंकि इसकी हीट हमारे पास आ रही है।
तो थोड़ा स्लो डाउन किया है मैंने। मीनाक्षी जय सिंह, बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद जी। ये हम ऐसे लेंगे और बस ऐसे डाल देंगे और इसको आप बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। इसी तरीके से हम दूसरा भी बना लेंगे हमारा ये। तो अब आपके लिए मकई की रोटी बनाना आप बोलेंगे नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है। तो बेसिकली मकई की ही रोटी जिसको खाने की इच्छा हो हाँ वो अच्छा, उसको। हमारे यहाँ पे मेवाड़ में खास बात है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, यहाँ के लोकल लोगों को मकई की रोटी पूरे दिन में एक बार तो चाहिए ही चाहिए। उसको आप जो है लंच या डिनर में वो लोग प्रेफर करते हैं, स्पेशली डिनर में उसको उड़द की दाल के साथ वो लोग बहुत पसंद करते हैं। ये अभी हल्का कच्चा है, अभी हम इसको नहीं छेड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये जब सिकने लगेगी तो हल्की हल्की ऊपर आने लगेगी और ड्राई होने लगेगी। किरण देवी जैन सिंह, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अटक रही है, हमें हैदराबाद से देख रहे हैं। ओके, तो एक बार वापस से आप पूछ लीजिए सबसे, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है आपको? एम आई ऑडिबल? चलो हम रिकैप दे देते हैं मीन भाई, जब तक हमारी वर्षा जी सिंह, ये शेफ एक्सप्लेन सो नाइसली, एंड अपर्णा जी कह रही है मैं भी देख रही हूँ संगीता मॉम। ओके ओके ओके। संगीता मॉम, मम्मी भी देख रही है? अच्छा, ओके, हो सकता है मम्मी भी देखती हूँ। ये देखिए हमने इसको टर्न कर दिया है। बहुत सुंदर। इसकी भी रोटी बना लेंगे क्योंकि तो हमें दो रोटियों की जरूरत होगी थोड़ा सा ज्यादा बनाने के लिए, तीन चार लड्डू बनाने के लिए। तो आज हम बना रहे हैं मकई का मलीदा। आप चाहें तो इसको जो है बाजरे की रोटी के साथ, ज्वार की रोटी के साथ, मिस्सी रोटी का जो आटा होता है उसके साथ, रेगुलर जो आपका गेहूं के आटा होता है थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, उसके साथ भी बना सकते हैं। तो बहुत सारे वेरिएशन एक सिंपल रेसिपी से आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, बेसिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए, गुड़ चाहिए। आप गुड़ की जगह, यदि आपके पास गुड़ घर में अभी इस समय नहीं है तो आप चाहें तो इसकी जगह आप देशी खांड यूज कर सकते हैं, देशी चीनी यूज कर सकते हैं, चाहे तो गुड़ यूज कर सकते हैं। आजकल गुड़ दानेदार अवेलेबल है, बूरा फॉर्म में अवेलेबल है, उसको यूज कर सकते हैं। तो कोई भी ऑप्शन आपका स्वीटनेस का हो सकता है। फिर आप इसमें नारियल का जो गोला है, ड्राई वाला जो होता है, उसको फ्लेक्स में काट ले, और नहीं है फ्रेश नारियल को लेके भी काट सकते हैं और उसको थोड़ा फ्राई कर लें क्रंची बनाने के लिए। ड्राई फ्रूट ऑप्शनल है, आप चाहें तो इस्तेमाल करिए, और ट्रेडिशनल रेसिपी में वैसे ये नहीं जाता है। और इलायची का पाउडर खुशबू के लिए यदि आपको जरूरत है तो आप डाल सकते हैं, इवन मोटी इलायची को भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और ये खास चीज, देसी घी हमारा अमूल का जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, और घी का इसका सबसे बड़ा रोल होता है, इसीलिए इसको सर्दी में खाया जाता है, प्रेफर किया जाता है ताकि वो डाइजेस्ट हो सके और एनर्जी हमें दे सके। तो ये सिक रहा है, आप देख सकते हैं अपने आप हल्की दब गई है। सुनीता शर्मा इज सेइंग शेफ यू शुड शेयर योर रेसिपीज ऑन यूट्यूब ऑल्सो। श्योर विल डू। वी हैव आर ओन चैनल एंड आई एम ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक बाय डॉक्टर शेफ संगीता धर।
एंड हमारा एक कॉमन चैनल है शिव विमल धर्म में भी हम लोग पोस्ट करते रहते हैं। आप शिव विमल धर्म को कंसिडर कर सकते हैं फॉर सीइंग द ट्रेडिशनल रेसिपीज। आवाज सही आ रही है? आई थिंक सही आ रही है। मम्मी देख रही हैं आपकी और शी इज सेइंग माय फोन इज बिजी, सो नीतू के फोन से आई एम। ओके, मम्मी जी नमस्कार। सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। डॉक्टर शेफ संगीता धर उदयपुर राजस्थान से। मैं एक प्रोफेसर हूँ पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में, फूड प्रोडक्शन में। ऑलमोस्ट 13-14 ईयर्स से वहाँ पढ़ा रही हूँ होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को। और मेरी कोशिश रहती है ज़्यादा से ज़्यादा उनको ट्रेडिशनल कोर्स सिलेबस के अलावा भी उनको ट्रेडिशनल चीज़ों से अवेयर कराऊँ, उनको जान पहचान कराऊँ, ताकि वो आने वाली जो जनरेशन है वो उन सारी चीज़ों को पहचाने जो हमारा खान पान था, जो हम लोग खाते थे और थोड़ा थोड़ा भूल चुके हैं। तो आगे आने वाले समय में हम पूरा ना भूल जाए, इसीलिए हम इस सारी रेसिपीज को लेकर आते हैं, कोशिश करते हैं आप लोगों के साथ शेयर करें। तो इस रेसिपी में यदि कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। ये रोटी अभी सीख रही है क्योंकि ये तवा है, थोड़ा टाइम लेता है, थोड़ी मोटी होती है रोटी, इसलिए इसको हम अच्छे से सेकेंगे, वरना कच्ची रोटी हमारे पेट में दर्द करेगी। इसको थोड़ा दबा दबा के सेक लेते हैं, वरना हम चाहते तो उस गैस पे भी डायरेक्ट सेक लेते हैं, और पर हम अच्छे से ट्रेडिशनली सेकना चाहते हैं इसको। वो क्या है, देशी स्टाइल में तो चूल्हे की आग जो रहती है उस पे डाल देते हैं। एक बार वो सेक गई रोटी हल्की हल्की, फिर चूल्हे की आग पे उसको रख दिया जाता है। तो मुझे लगता है आप लोग जरूर ये रेसिपी घर में बनाएंगे और मुझे टैग करेंगे और बताएंगे कि आप लोगों ने ये ट्राई किया अपने घर में और घर के सभी लोगों को बना के खिलाया। कोई मुश्किल चीज नहीं है, सभी के पास गुड़ और घी रहता ही है, तो ये एक आम जना भी अपने घर में बना सकता है। ये ट्रेडिशनल रेसिपी है और बहुत पसंद आएगी, इसको खाया जाएगा। आप इसको बना के 2-3 दिन तक खा सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं रोटी पूरी सिक गई है। मैं इधर ले रही हूँ, मैं अब दूसरी वाली रोटी को भी डाल रही हूँ। आंच मैंने तेज कर दी है ताकि वो सिके बढ़िया से। मैं एक बार यहाँ पे एरिया क्लीन कर देती हूँ। व्रत सिंह हैज सेंड 45 स्टार्स, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। ईशा ढींगरा जी सेइंग हेलो संगीता मैम, हेलो जी। तो एंड मीनाक्षी झा इज सेइंग गुड। ये देखिए, अब हम रोटी को ऐसे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। हम चूरमा बनाते हैं, बहुत टाइम लगता है, घी लगता है और हम मीठा खा ही नहीं पाते, तो क्यों ना हम ऐसी चीज बनाएं जो फटाफट बन भी जाए और हम उसे खा भी लें। अच्छा, ईशा जी ये मकई का मलीदा है। मलीदा जो बहुत सॉफ्ट होता है, मलावा जो बहुत मैश कर देते हैं इसको हम। ये सिक रहा है बढ़िया से, ये देखो बढ़िया से रिमूव हो रही है, ये ऊपर से सॉफ्ट है इसलिए। मक्की की रोटी तो
सुनीता शर्मा है सर 45 स्टार्स, आराधना आराधना 45 फोन मिला के 50 कर देते हैं। थैंक यू जो भी इस रेसिपी को अप्रिशिएट कर रहा है। इनफैक्ट ये मेरी नहीं है, दादी नानी के जमाने की है, तो वी शुड बी थैंकफुल टू देम। टू इट इज एन ऑनर कि हम लोग बना पा रहे हैं उनकी दी हुई रेसिपी और हम इस लेगेसी को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम अपने खान पान को न भूल सके। रागिनी मुंशी हेलो बुआ, आपने भी 45 स्टार्स भेजे हैं, आई थिंक वो लिमिट होगी स्टार्स की। और सुनीता जी ने भी भेजे हैं। देखिए एक तरह से सिक गई है बहुत बढ़िया तरीके से। अब हम इसको इस तरह से दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। यस ईशा जी हाय, इट्स लाइक ए चूरी ओनली, बट हाँ ये मकई के आटे का बन रहा है और इसको मलीदा बोलते हैं, जो संगीता शेफ ने बताया अभी। इवन दिस इज अ न्यू रेसिपी फॉर मी एज वेल, क्योंकि हमने मक्की की आटे की रोटी तो खाई है बट इतना सॉफ्ट गुथा हुआ मक्की का आटा, दिस इज रियली गुड टू सी फर्स्ट टाइम। और उसका मलीदा है जैसा शेफ ने बताया, खूब मला हुआ है, अच्छे से मला हुआ है। और आगे भी देखिएगा इसका जो प्रोसेस है वो मल कर ही इसको करना पड़ता है, वरना आपको मजा ही नहीं आएगा। तभी तो ये एकदम मुंह में घुल जाता है। और ये चीज आप घर पे बच्चों को खिलाएंगे, आई स्वेयर उनको दूसरी मिठाई पसंद ही नहीं आएगी, क्योंकि बच्चे बहुत शौकीन होते हैं मीठा खाने के। तो कभी कभी हम कोशिश करके इस तरह की ट्रेडिशनल रेसिपी को बच्चों तक पहुंचाए ताकि उनकी बचपन की यादें उनको जब वो बड़े होंगे तो कह सकेंगे हमारी मदर खिलाया करती थी, हमारी नानी खिलाया करती थी। किसी भी वेरिएट आटे से बना सकते हैं, कोई भी हेल्दी आटा आप ले सकते हैं, मेले ले सकते हैं और इसको बना सकते हैं, जौ ज्वार मिक्स आटे। ये देखिए बहुत ही अच्छे से सिक चुकी है हमारी मकई की रोटी। शिवजी साहा राधे 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 कह रहे हैं जी जी राधे राधे सर, सबको राधे राधे। और रेसिपी रिपीट करने के लिए कह रहे हैं सुचित्रा सौंदुर जी, बिल्कुल। ये देखिए कितना बढ़िया से हमारा मकई की रोटी सिक चुकी है, कच्ची नहीं है, बढ़िया से। हमको चूल्हे की जरूरत नहीं है। यदि हम इसको कहते हैं कि चूल्हे पे कैसे बनाए तो हम इस पे भी रेगुलर बना सकते हैं। आप आयरन का तवा ले सकते हैं, क्योंकि मेरे पास था, मुझे अच्छा लगता है ट्रेडिशनल चीजों से लगाव है, तो मैं कोशिश करती हूँ वो ही आप लोगों को दिखाऊं जो ट्रेडिशनली इक्विपमेंट्स हैं, डिशेस हैं, उसकी इम्पोर्टेंस है। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ से बढ़िया से सिक चुकी है, मैं गैस ऑफ कर रही हूँ। वर्षा कृपा सिंह नाइसली एक्सप्लेन शेफ एंड थैंक यू यू आर सुपर्ब मैम, ये तो मैं भी कहता हूँ ईशा जी और आई ऑलवेज एडमिट इट। तो आप एक बार देख सकते हैं, अंजलि जी कह रही है क्या आप इसको, कैन यू डू दिस चूरी इन अ ग्राइंडर? आप ग्राइंडर में करेंगे तो मजा नहीं आएगा, वो बात नहीं आएगी जो हाथों की बात है, क्योंकि इसको हम मलेंगे और यही इसका फंक्शन है, यही इसकी ताकत है इस रेसिपी की। तो आई वोंट से कि आप इसको मैशर में डालें और करें, हाथ में गरम गरम वो जो सेक लगता है उसकी बात ही अलग है, वो मिक्सी को क्यों दें हम। यू आर सुपर्ब मैम ईशा जी, थैंक यू एवरीवन, दोज हु आर वॉचिंग मी एंड अप्रिशिएटिंग द रेसिपीज, ट्रेडिशनल रेसिपीज ऑफ दादी एंड नानी।
एंड जनरेशन से ये चली आ रही है रेसिपीज, लेकिन हम थोड़ा भूल चुके हैं इस रेसिपी को। हाँ, अभी भी कुछ कुछ ट्रेडिशनल घरों में, गाँव में इसको प्रेफर किया जाता है। अचानक कोई मेहमान आ जाए और आप कहाँ दो, ये राजस्थान में चूरमा बहुत पसंद किया जाता है, पर अचानक मेहमान के आने पे ये एक ऐसी रेसिपी है कि वो लोग आराम से बना के और उनको वेलकम कर सकते हैं। थैंक रश्मि जी सिंह, आई लाइक योर ब्रास यूटेंसिल्स। यू रश्मि जी। ये भी जो है कहीं ना कहीं दादी नानी से ही मांगे गए हैं और कलेक्ट किया गया है ये खजाना। जिसको हम भूल चुके हैं। रजिया जी, लेट्स कंसंट्रेट ऑन अभी मक्की के मलीदे पे, दाल और प्याज की सारी चीजें बाद में आएंगी। प्याज की कड़ी और सब चीजों की याद आ रही है मक्की की रोटी देख के। हाँ जी, और पंजाब की तो खास चीज है मकई की रोटी विद सरसों का साग, है ना। मोटी गेहूं की रोटी के साथ में, ईशा जी कह रही हैं। जी जी बिल्कुल जी ऑसम सेशन रजिया एम लोहानी। जी अब देखिए, अब हम ये ऑलमोस्ट हो चुका है। अब हम हमारा एलिमेंट जो डालेंगे वो है गुड़, क्योंकि तो गुड़ इसमें मेल्ट होना चाहिए। तो गुड़ को हम इस तरह से मैश करेंगे। मेरे पास सॉफ्ट गुड़ है, ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि ये प्योर गुड़ है। आप देख सकते हैं इसके साथ मिक्स हो रहा है बहुत ही, यही तो है, ये हाथों में मैश होना चाहिए, मला हुआ होना चाहिए। आई एम ऑल्सो सो लकी कि हमारे कोई ऐसी बेहतरीन चीज है जो हमारी शेफ साहिबा हैं वो बना बना के खिलाती रहती हैं। एंड देर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम ईच अदर ऑल द टाइम्स। गुड़ अच्छे से मिल गया है इसके अंदर। अब बारी आती है खास इंग्रेडिएंट की, जो इसको जान और डालेगा, वो है हमारा घी, अमूल का घी, प्योर घी, काऊ घी। काऊ का जो घी होता है वो पाचक भी होता है और बहुत हेल्दी भी होता है। भैंस का घी थोड़ा सा हैवी रहता है, तो अब हम इसमें डालेंगे। यस, घी अच्छा चाहिए। ये देखिए, ये ही मैं कह रही थी कि मलीदा, ये है मलीदा। इस समय आप डाइट कॉन्शियस मत होना, क्योंकि इसके बाद करके आप एक्सरसाइज कर सकते हैं और इसको पचा सकते हैं। और आपके जो हाथों में है ये घी, आपकी त्वचा को खुश, जो कहते हैं ना, रफ भी नहीं होने देता, स्मूथ बनाए रखता है। तो कहाँ वैसलीन को यूज करें, ये सारी चीजें बहुत बढ़िया है और नेचुरल है। ये देखिए घी इसमें हमने डाल दिया है अच्छे से। अब बारी आ रही है हमारे नारियल की, जो हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर, ऑप्शनल है, मैं एक बार हाथ धो लेती हूँ। उमा जी, यस डेफिनेटली इट्स एन इंटरेस्टिंग रेसिपी विद लॉट ऑफ देसी घी गेटिंग इन साइड मक्की के मलीदे में। न्यूट्रिशियस एंड एट द सेम टाइम थोड़े से ड्राई फ्रूट, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों को पसंद है, और लेकिन ऑथेंटिक उसमें हम चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। दरदरा पीसेंगे बस हल्का सा। आप चाहें तो अखरोट डाल दो और भी मिक्स ऑफ ड्राई फ्रूट डाल दो। आजकल सीड्स आ रहे हैं, मल्टी सीड, उसके कॉम्बिनेशन डाल सकते हो उसको हेल्दी करने के लिए। बस ये हल्का सा हम ड्राई फ्रूट को डालेंगे। अब इसको खाने के भी दो तरीके होते हैं।
ईशा जी सिंह सर, यू बोथ आर सुपर्ब एंड सो टैलेंटेड। ये देखिए, ये इसको इस तरह से ट्रेडिशनली खाया जाता है, ये डाला, और आप इसको इस मलिदे को, अपने मेहमान को, अपने परिवार को बढ़िया से प्यार से बना आई के। थॉट यू आर गोइंग टू मेक अ लड्डू आउट ऑफ इट, बट ये तो नहीं, ये बिल्कुल मलिदा है ना, इसलिए मैं ओके। चाहती तो लड्डू बना सकती थी, पर मैं लड्डू लड्डू का फॉर्म नहीं देना चाहती इसमें, क्यों? क्योंकि इसका नाम मलिदा है, मलावा है, मैश्ड है। अमेजिंग। तो हियर इज माय रेसिपी, मकई का मलिदा, जो आप सभी के लिए है, जिन सब ने देखा मुझे, अप्रिशिएट किया और हमारी दादी नानी की रेसिपी को जाना पहचाना, और आपसे यही एक गुजारिश है, यही एक विनती है कि आप लोग भी अपने घर में इसको बनाएंगे और परिवार को इतनी खूबसूरत रेसिपी जो प्यार से बनाई गई है खिलाएंगे अपने हाथों से और इसकी जानकारी देंगे। तो मकई का मलीदा आप देख सकते हैं कितनी चमक है, कितनी सुंदर रेसिपी है। हम इतनी मिठाइयों की तरफ भागते हैं, तो क्यों ना हम अपनी ट्रेडिशनल रेसिपी को आगे लेके जाएं। ठीक है, वो भी खाइए, पर अपनी ट्रेडिशनल रेसिपी को मत भूलिए। तो ये है हमारे राजस्थान की पारंपरिक रेसिपी, चूरमा के अलावा जो है ये गांव की रेसिपी है, इसका नाम है मकई का मलीदा। और वुड यू लाइक टू डू अ क्विक रिकैप? यस, डेफिनेटली, ये है हमारा मकई का आटा, इसको हम गुनगुने पानी से नीट करेंगे, गोंदेंगे, उसको बहुत अच्छे से पाम से गोंदेंगे, इसको इस तरह से नीट नहीं करेंगे। जब वो प्लाईबल सॉफ्ट हो जाएगा, मकई की रोटी बनाएंगे और अच्छे से उसको तवे पे सेकेंगे दोनों तरफ से, और फिर उसके लिए हमें फिर जो मिठास देनी है वो गुड़ और घी की देनी है, तो गुड़ इसमें डालेंगे और मकई की रोटी को थोड़ा मैश करेंगे, गरम गरम ही हमें उसे मैश करना पड़ेगा, चूरना पड़ेगा, मतलब कि हाथों से उसको तोड़ना पड़ेगा टुकड़ों में और बारीक बारीक, और फिर उसमें हम बनाएंगे, उसमें गुड़ मिलाएंगे, घी मिलाएंगे, ड्राई फ्रूट्स आपके ऑप्शनल है, और ये आप चाहें तो, क्योंकि इसका टेस्ट इसके साथ बहुत अच्छा जाता है और ट्रेडिशनली मेरे घर में बनाया जाता था, इसलिए मुझे बहुत पसंद है, तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे। मकई का मलीदा बहुत सिंपल रेसिपी विद ओनली थ्री मेजर इंग्रेडिएंट्स, आपका मकई का आटा, देशी घी और गुड़, बस। परफेक्ट परफेक्ट। शी सेइंग भाभी हमारे अपर्णा कॉल इज सेइंग भाभी हमारी कश्मीरी ट्रेडिशनल स्वीट तोशा जैसा ही। बिल्कुल, तोशा की तो मैंने कहा ना, अलग अलग जगह, क्योंकि ये पर्शियन रेसिपी है, वहीं से इन्फ्लुएंस होकर आई है मुगल के थ्रू हमें, तो हो सकता है इसका इन्फ्लुएंस जहां जहां लोग गए वहां अलग अलग नाम से इसको पहचाना गया, पहचाने प्रिया शर्मा सिंह, वाह वेरी नाइस रेसिपी, दादी माँ के बनाया से रेसिपी ही है है, ये। और आपके किचन में अमूल स्प्रे मिल्क पाउडर है, उससे कौन सी रेसिपी रेडी कर सकते हैं, कभी शेयर करें। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेट। अमूल पे मैंने मकई का पेड़ा बना रखा है, आप उस रेसिपी को देख सकते हैं डॉक्टर शेफ संगीता के नाम से, जो मैंने अमूल पे बनाया था विद दी हेल्प ऑफ मिल्क पाउडर, तो आप उस रेसिपी को देख सकते हैं, और ये रेसिपी आपको मेरे इंस्टा पे भी मिल जाएगी, और फेसबुक हैंडल भी है मेरा, इंस्टा हैंडल है डॉक्टर शेफ संगीता घर, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और इसी तरह से ट्रेडिशनल रेसिपी से रूबरू हो सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और अपनी पहचान बढ़ा सकते हैं हमारी राजस्थानी कुजीन से। धन्यवाद आप सभी को, डॉक्टर शेफ संगीता की तरफ से, अमूल की तरफ से, और आपने अपना कीमती समय मुझे देखने में और सीखने में लगाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ